नवरात्र के सातवें दिन माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप कालरात्रि की पूजा का विधान है। देवी शक्ति का ये रूप असुरों का संहार करने वाला है। माँ के हर रूप की उत्पत्ति संसार में दुष्टों के सर्वनाश हेतु हुई है और उन्हीं में से एक है माँ कालरात्रि, जिन्होंने मधु कैठब जैसे असुर का वध किया। कहते हैं सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा और व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है अगर कोई भी पूरे विधि विधान से माँ का पूजन करता है तो माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यही नहीं, माँ के भक्तों को किसी भूत प्रेत या बुरी शक्ति का भय नहीं सताता। विधि विधान से करें माँ का पूजन। दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि का काफी महत्व है। इस दिन से भक्त जनों के लिए देवी माँ के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आप कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। इसके बाद ही माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम कर माँ कालरात्रि के मंत्र का ध्यान करें और पूजा के बाद माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद दान करें, साथ ही एक थाली भोजन ब्राह्मण के लिए भी निकाल कर रखनी चाहिए।